हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके कार के एसी में कूलिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है, कूलिंग कम है, तो आज का वीडियो आपके ही लिए है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि आपकी कार की कूलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो ये बेसिकली एक वेट मेथड है। तो ये जो आप फ़िलहाल देख रहे हो मेरी गाड़ी की जो आउटर जो कंडेंसर कॉइल्स होती हैं वो फ़िलहाल बहुत गंदी हो चुकी हैं, जगह जगह रस्ट लगा हुआ है। आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी फंसी हुई है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा, तो मेरे पास इस टाइम यहाँ पे है एक कॉइल क्लीनर जो कि आपको किसी भी एसी रिपेयर शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट होती है 100 रुपीज़ से 150, मुझे 150 में मिला है। डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर में हो, कहाँ हो, तो ये इतनी कॉस्ट के अराउंड आपको मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती है। इसको रिकमेंडेशन ये है कि 1:2, मतलब एक हिस्सा इस कूलिंग कॉइल क्लीनर को आपने डालना है और दो हिस्से आपने पानी के डालने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक हिस्सा इस क्लीनर का ले रहा हूँ और तीन हिस्से पानी के मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ये क्लीनर चाहिए, एक मेजरिंग आप बॉटल किसी से भी डाल सकते हैं मेजर करके, और एक आपको यहाँ पे स्प्रे पंप छोटा सा, आपके पास घर में कोई कॉलिन की बॉटल हो या कोई भी क्लीनर जो कि खाली बॉटल पड़ी हो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये एक बॉटल थी तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये नियरली मैंने यहाँ पर 100 ml के आसपास ये कॉइल क्लीनर ले लिया है, जिसमें मैं अभी तीन हिस्से पानी डालने वाला हूं। ठीक है जी, तो ये मैं यहां एक पूरी बॉटल हो गई और उसके बाद एक हाफ बॉटल और डालूंगा और तीन हिस्से पानी मैंने यहां पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेथड आप कार के बम्पर को अगर खोल सकते हो तो खोल के कर सकते हो, बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बिना बम्पर खोले भी आसानी से हो सकता है। तो अब इसी बॉटल से हम सामने वाली जो कॉइल्स हैं उस पर स्प्रे करना शुरू करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि हर कोने में अच्छे से स्प्रे इस पर आप डाल दें, अच्छे से जो फ्लूड है वो आप इसको स्प्रे कर दें। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ये जो कूलिंग कॉइल जो क्लीनर्स होते हैं थोड़े से कोरोजिव होते हैं, मतलब कोरोजिव आप नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आपने थोड़ा सा आईज़ को ध्यान, अपनी आँखों का थोड़ा ध्यान रख के आपने इनको स्प्रे करना है कि आँखों में ना चला जाए। और आप अगर कार में थोड़ा क्रोम के शौकीन है तो वहाँ पर क्रोम पर थोड़ा अवॉइड कीजिए, डायरेक्टली ये इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, थोड़ा आप अवॉइड कीजिए कि क्रोम पर ना ये डले। प्लास्टिक पार्ट पे आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी सिर्फ कूलिंग कॉइल्स को ही क्लीन करने वाला है। ठीक है जी, तो ये आप अच्छे से इसको स्प्रे कर लीजिए और स्प्रे करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फोम सा बनना शुरू हो गया है। आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा फोम मेरे स्प्रे करने के साथ साथ ही बनना शुरू हो गया है और ये काफ़ी अब फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे फॉर्म बनने का मतलब है कि इसने अपना क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है अच्छे से, ये जो मिट्टी है जो रस्ट है इसको अच्छे से ये डिसॉल्व करके अभी ये नीचे लेके आने वाला है। आपको आफ्टर स्प्रेइंग इसको कम से कम 5 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पानी से इसको फ्लश आउट कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप नॉर्मली टैप वाटर के साथ एक पाइप लगा के थोड़ा सा हाथ से प्रेशर बना के इसको क्लीन कर सकते हो। पानी खूब अच्छे से मारना है क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक सब्सटेंस होता है कि सारा निकल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे अब कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो रही है जो कि नॉर्मल पानी से नहीं निकलने वाली थी। ये देखिए नीचे यहाँ पे, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकल रही है क्योंकि कम से कम 2 साल हो गए थे इसकी, अभी सर्विसिंग नहीं हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ये नीचे निकल रही है, आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मल पानी से कभी भी नहीं निकलने वाली थी। तो इस मिट्टी निकलने से अब आपके एसी में एक नई जान आने वाली है, आपको कूलिंग का डिफरेंस एसी चलाते ही पता चल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारी कूलिंग जो कॉइल्स हैं वो साफ़ हो चुकी हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये डिफरेंस। पहले की कॉइल की पिक्चर है और ये आफ्टर क्लीनिंग पिक्चर्स हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रस्ट पूरी तरह से निकल गया है और एकदम नई जैसी ये कॉइल्स हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज
का आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही वीडियोज़ को एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।